हेलो एवरीवन, वेलकम टू कतरीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना वड़ा की रेसिपी। इसको हम साबूदाने के पकोड़े भी बोलते हैं। ये साबूदाने के वड़े हम स्पेशली व्रत या उपवास के लिए बनाते हैं, लेकिन हम ये आज इतने टेस्टी और क्रिस्पी बनाएंगे कि आप इसको बिना व्रत के भी बनाकर खाएंगे, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो चलिए देखते हैं ये वड़े कैसे बनाएंगे, और आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो साबूदाना वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप साबूदाना लिया है, इसको हम सागो भी बोलते हैं। ये 1 कप है और मेजर से है ये 200 ग्राम, 200 ग्राम। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको धोएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल के ऊपर स्ट्रेनर रखा है, बड़ी छलनी रखी है, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। आप चाहें तो इसको डूबते हुए पानी में भी अच्छे से वॉश कर सकते हैं, नल के नीचे डायरेक्ट। तो मैं इसको इस तरह से वॉश कर लेती हूँ। तो ये ज़रूरी स्टेप है, आप ज़रूर से इसको वॉश कर लीजिए और पानी इसका निकाल देते हैं। और अभी इसको हम दूसरे फ्रेश पानी में भिगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको बाउल में डाल दिया है और अभी इसको भिगाने के लिए हम 1 कप पानी का यूज़ करेंगे। हमने जिस कप की मेजर से साबूदाना लिए हैं उसी कप की मेजर से हम 1 कप पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। तो ये देख सकते हैं आप, एक मैंने पानी इसके अंदर ऐड कर लिया है 1 कप। ये इतना ही हमें पानी रखना है जितना कि ये भीग जाए, बस ऊपर की सतह तक ही रहना चाहिए। इसको ढक्कन लगा लेते हैं और इसको 5 से 6 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे, या फिर अगर आपको सुबह जल्दी नाश्ते में बनाना है तो ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो मिनिमम आपको 5 से 6 घंटे के लिए रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे इसको भिगाए हुए 6 घंटे हो गए हैं। अभी आप देख सकते हैं एकदम खिले खिले साबूदाने हैं, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए एकदम खिले खिले बढ़िया अपनी साइज से फूल कर ये डबल हो गए हैं। और ये मैं दिखाती हूँ आपको एकदम अच्छे से बढ़िया, ये देखिए इस तरह से ये दब रहा है, प्रेस कर रहे हैं तो अच्छे से। तो ये हमारे साबूदाने एकदम तैयार है। अभी हम इसके अंदर सबसे पहले पीनट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप ली है पीनट्स, यानी कि मूँगफली, कच्ची मूँगफली। इसको हम कोर्सली ग्राइंड करेंगे, हल्का दरदरा। तो इसको हम क्रश कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको क्रश कर लिया है, एकदम पाउडर नहीं बनाया है, हल्के हल्के छोटे छोटे इसके अंदर मूंगफली के दाने भी है, वो भले रहते, उससे बहुत ही क्रंची टेस्ट आएगा। तो जिस कप की मेजर से हमने साबूदाने लिए थे उसी कप की मेजर से मैंने यहाँ पर 1/4 कप मूंगफली को क्रश किया है। और अभी हम आगे के मसाले बाद में डालेंगे, सबसे पहले इसके पास में हम एक चटपटी चटनी बनाएंगे, तो वो बना देते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1/2 कप फ्रेश धनिया और 1/2 कप मैंने लिया है यहाँ पर फ्रेश पुदीना, दोनों को अच्छे से वॉश कर लिया है। 1 हरी मिर्ची ली है, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 1/2 नींबू का स्लाइस। तो ये हम मिक्सी के जार में ऐड कर लेते हैं। आप चाहें तो ओनली धनिया से बना सकते हैं या फिर ओनली पुदीना से भी बना सकते हैं। तो मैंने दोनों को 1/2 कप लिया है और हरी मिर्ची ली है 1। आपको अगर ज़्यादा तीखा चटपटी पसंद है तो आप ज़्यादा हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं। और अदरक मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है, 1/2 नींबू का स्लाइस इसके अंदर हम निचोड़ लेते हैं। नींबू की जगह पे आप 1 टीस्पून दही का भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, या फिर मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून काम में लिया है। और अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधव नमक या फिर काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने ली है मूंगफली, कच्ची मूंगफली यानी कि पीनट्स। इसकी जगह पे आप काजू का यूज़ भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज़ का यूज़ करें। काजू लेते हैं तो 4 से 5 काजू लीजिएगा। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 2 से 3 टेबलस्पून जितना, और इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं और इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसकी चटनी बना के तैयार कर ली है, बहुत ही बढ़िया एकदम चटपटी चटनी हमने बनाई है। इसको मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ बाउल में। ये देखिए इस चटनी को आप 2 दिन तक फ्रीज में आराम से स्टोर करके काम में ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम साबूदाना वड़ा की तैयारी करते हैं। एक बर्तन में मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 उबले हुए आलू, मीडियम साइज़ के आलू हैं। इनको उबाल के छिलके निकाल कर एकदम ठंडा करने के बाद ही काम में लीजिएगा। तो जब आप साबूदाना वड़ा की तैयारी कर रहे हैं उससे 1/2 घंटा पहले इनको उबाल के एकदम ठंडा करके फिर ही इनको मैश करिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको मैशर से मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ग्रेट कर सकते हैं, यानी कि कद्दूकस कर सकते हैं। अच्छे से मैश कर लिया है दोनों आलू को। और इसके अंदर अभी हमने जो ये पीनट्स को ग्राइंड किया था और साबूदाने जो है वो इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, आप देख सकते हैं ये बाउल के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, एकदम ड्राई है साबूदाना। इसी तरह के ड्राई साबूदाना चाहिए तभी वो क्रिस्पी बनेंगे। 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स।
और नमक 1 टीस्पून। अगर आप व्रत के उपवास के लिए बना रहे हैं तो सेंधव नमक या फिर काला नमक, जो भी आप नमक यूज़ करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, और 1/2 कप है यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया की जगह पे आप पुदीना का यूज़ भी कर सकते हैं। और 1 नींबू का स्लाइस मैं इसके अंदर निचोड़ रही हूँ, मीडियम साइज़ का नींबू 1 पूरा, उसका रस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर नींबू का रस नहीं ऐड करना चाहते हैं तो 1 टीस्पून अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए और अभी हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छे से हाथ से सारे मसाले अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको खट्टा मीठा पसंद है तो आप 1 चम्मच शक्कर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर शक्कर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स होने के बाद इसको हम डो की तरह इस तरह से हल्के हाथ से इस तरह से मस लेंगे ताकि साबूदाने जो है वो आलू मूंगफली के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। मूंगफली का हमने इसके अंदर जो चूरा डाला है क्रश करके, बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, इससे बाइंडिंग बहुत ही अच्छी आती है और साबूदाने के वड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो देख सकते हैं आप, इसको मैंने मसल मसल कर अच्छे से एक डो के जैसे बनाकर तैयार कर लिया है। तो एकदम परफेक्ट डो बन गया है वड़े बनाने के लिए। तो अभी हम इसके वड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है और हाथ में थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेते हैं, ऑयल या घी कुछ भी ले लें, हाथों को ग्रीस कर लें। और अभी इसके हम मीडियम साइज़ के वड़े बनाएंगे। तो आप जिस साइज़ के बनाना चाहें वड़े बना सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। पहले इसको गोल शेप दें और फिर मैं इसको टिक्की का शेप दे रही हूँ इस तरह से। तो बहुत ही अच्छे से टिक्की बना लें इसकी। आप चाहें तो एकदम गोल गोल नींबू की साइज़ के एकदम गोल वैसे भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको टिक्की का शेप दिया है। तो ऑयल थोड़ा थोड़ा हाथ में ग्रीस करते जाएं और इस तरह से सारे साबूदाना वड़ा बनाकर तैयार कर लें। और पास में हमने ऑयल गर्म करने के लिए रखा है गैस पर इनको फ्राई करने के लिए। तो ये देखिए मैंने सारी की सारी टिक्की बनाकर तैयार कर ली है। इतने डो से मैंने यहाँ पर 13 to 14 मीडियम साइज़ की टिक्की बनाकर तैयार करी है। यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है और ऑयल जो है वो मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। तो मीडियम गरम है ऑयल और गैस की फ्लेम भी हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और ऑयल में जितना स्पेस है उतना हम इसके अंदर साबूदाना वड़ा ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा वड़े ऐड ना करें। तो यहाँ पर मैं 2 बैच में इनको फ्राई करूँगी, 6 से 7 मैंने इसके अंदर अभी ऐड करे हैं वड़े। अभी हम इनको कुछ सेकेंड तक छेड़ेंगे नहीं, करीबन 15-20 सेकेंड तक। अगर आप वड़े को ऑयल के अंदर ऐड करते ही उसको छेड़ेंगे पलटने के लिए तो वो टूट सकते हैं। तो 15-20 सेकंड तक उसको अपने आप ही सिकने दीजिए और उसके बाद में हम इनको पलटेंगे एकदम हल्के हाथ से। स्पैचुला या फिर फोर्क ले लीजिए, उससे हल्के हाथ से इनको इस तरह से घुमाते जाइए। तो दोनों ओर पलट पलट कर अच्छे से इनको गोल्डन और क्रिस्प होने तक हमें फ्राई करना है। आप चाहें तो इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं या फिर अप्पे वाले पैन में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के उस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। व्रत उपवास में खाइए, ना भी हो व्रत उपवास तो भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। तो देख सकते हैं आप, इनका कलर बहुत ही बढ़िया आया है। तो ये देख सकते हैं आप, इनका कलर बहुत ही अच्छा आ गया है और ये एकदम क्रिस्पी बन गए हैं। तो इसको मैं निकाल देती हूँ। तो ये हमारे साबूदाना वड़ा एकदम तैयार है, गर्मा गर्म बहुत ही बढ़िया बने हैं। और इसी तरह से मैं यहाँ पर दूसरा जो बैच है साबूदाना वड़ा का, वो भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो आपको ध्यान रखना है गैस की फ्लेम मीडियम होनी चाहिए और ऑयल जो है वो मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में ऐड ना करें, वो ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। और कम गर्म होगा ऑयल तो इसके अंदर ऑयल भर जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर ही इनको अच्छे से गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर ले। तो यहाँ पर मैंने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है और ये लीजिए हमारे गर्मा गर्म साबूदाना वड़ा खाने के लिए एकदम तैयार है। और पास में हमने चटपटी चटनी बनाई है और ये देखिए आप, मैं बताती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बने हैं। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। तो कैसी लगी रेसिपी दोस्तों, मुझे ज़रूर से बताइएगा। और फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। और मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए।